हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत बहुत ही बढ़िया होगे। और आप देख सकते हो वेदर कितना प्यारा है। फटाफट से मैं मेरी कॉफी बना लेती हूँ और कॉफी लेके ऊपर वाले रूम में आके बैठती हूँ। तो बाहर का वेदर इतना अच्छा हो चुका है कि अभी बारिश होगी ऐसा लग रहा है। आपने देखा है सुबह से ही इसका वेदर ऐसा हो चुका है और मैं बना के आ चुकी हूँ कॉफी और मुझे करी कॉफी। मुझे कॉफ़ी के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो पसंद नहीं है, तो उसको फूंक मार के निकाल दिए। और अभी नाना धोना सब बाकी है, तो देखते हैं कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद और देखते हैं क्या क्या सोच कर पाते हैं। 3 बजे का करीब का टाइम हो गया होगा और मैं आ चुकी थी नीचे और किचन में मैंने ये सब सब्जियां वगैरह काट के रख दिया है सैंडविच बनाने के लिए। रेडीमेड वाला अचार भी ख़त्म हो चुका था तो मैंने वो भी बनाने के लिए कैरी काट रही थी और पुदीना और धनिया पत्ती थी उसको भी मैंने छाट लिया था चटनी बनाने के लिए। और उसके बाद ये पुदीना हरा धनिया लहसुन मिर्च और थोड़ा सा नमक की चटनी है और उसके बाद चाट मसाला और नमक है और ये बीट गाजर ककड़ी और पत्ता गोभी जो है उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और होममेड बटर और ये ब्रेड है। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड बटर जो कि बहुत ही ईजी और सिंपली बन जाता है। और ये जो बटर है मैंने घर पे ही बनाया है। आप जानना चाहते हो रेसिपी तो मैं आपको साथ ज़रूर से शेयर करूँगी क्योंकि मैं हर बार अपना बटर मैं फ्रेश घर पे ही बना लेती हूँ घर की मलाई से। और उसके बाद ये है चाट मसाला और तो इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल दूँगी और बटर दो ही चीज़ों से ये बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं बाकियों की भी ब्रेड ले लूँगी और उसके सारे साइड्स जो होते हैं वो कट कर लूँगी। आप चाहो तो स्लाइड्स को रख सकते हो या तो फिर जो साइड कटे हुए ब्रेड आते हैं वो वाले ले सकते हो, पर मैं ये वाली लेके आ गई थी तो मैंने साइड्स को कट कर लिया है। मैं 3 का बंच में बना रही हूँ, आप चाहो उतने में आप बना सकते हो। तो मैं 3 सैंडविच साथ में बनाऊँगी। ये वाली सैंडविच खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और जो बाकी सैंडविच होती है उससे थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी बारीक बारीक होती है। तो मैं ब्रेडों को अच्छे से फैला लूँ। के बाद जो मैंने होममेड बटर बनाया हुआ था मैंने उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ था और थोड़ी सी हल्दी पाउडर उसके कलर के लिए, तो उसको मैं अच्छे से फैला लूँगी सारी ब्रेड के ऊपर और अच्छे से अच्छा उसकी हर एक और के ऊपर मैं लगा लूँगी जिसके चलते उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाए। और जो जो कोहरे बाकी है उस पर वो बर्फी मैं अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी हरी वाली चटनी जो कि मैंने बनाई थी और मैंने उसको कम तीखा रखा था, आप चाहो तो उसको ज़्यादा तीखा कम तीखा कर सकते हो। इसमें तीखी वाली 1 मिर्ची डाली थी, आप चाहे तो 2, 3 या फिर आधी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो पर मैंने स्किप किया हुआ है, वो ऑप्शनल है। उसके बाद जो मैंने मसाला बना के तैयार रखा हुआ था तो वो वाला पूरा डाल दूंगी। आप चाहो तो इसमें भी सेजवान चटनी मिक्स करके डाल सकते हो पर मैंने प्लेन ही डाला था उसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था। बाद सभी को मैं कवर कर लूंगी और बटर को ये मशीन में डाल दूंगी और सेकने के लिए ब्रेड को भी रख दूंगी। आप चाहो तो आपके पास जो भी मशीन अवेलेबल हो, ग्रिल मशीन हो या तो फिर तवे में या फिर गैस वाला मशीन हो तो आप उसमें भी सेक सकते हो। तो मैं इस तरीके से सेक रही हूँ। अगर आप तवे में सेकोगे ना तो उसमें से थोड़ा मसाला बाहर निकलने की प्रॉब्लम रहेगी, वरना और कोई दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से सिक जाती है, बस आपको उसके ऊपर कुछ वेट रखना पड़ेगा। तो इसमें 2 इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये दोनों ही एक लाल और एक ग्रीन है, तो जब हो जाता है ना तो ये लाल वाला हो जाता है। उसके बाद मैं निकाल लूँगी और ऐसे करके सारी जो भी सैंडविचें हो वो सारी को बना लूँगी। आप चाहो तो उसको हरी चटनी
वाली जो चटनी आती है उसके साथ या तो फिर केचप के साथ इंजॉय कर सकते हो। और ये सब बन जाने के बाद मैं चली जाती हूँ बाहर। ये और मैं जा रही हूँ ये पुदीनों को लगाने के लिए। मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जितना भी मिलता है उतना ले लेती हूँ और उसको लगा लेती हूँ। और आपने देखा ही है कि मेरे गार्डन के पास में तो सारा तो पुदीना लगा हुआ है, जो ऐसे ही करके लगा हुआ है, तो मैं और थोड़ा लगा देती हूँ। और उसमें पानी डाला हुआ है तो अच्छा रहेगा कि जो मोटे वाले पोर्शन होते हैं उसको बस चम्मच ढका दो और पुदीना अगर पक्के पक्के हो गए ना तो जल्दी से लग जाता है। को लगा दिया है, अब देखते हैं उगता है या नहीं है। उगेगा तो भी दिखाऊंगी, नहीं उगेगा तो भी दिखाऊंगी। और मेरे दो बैंगन लग चुके हैं, नहीं मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और मैं बैठ गई थी वीडियोस देखने के लिए और कॉल्स अटेंड करने के लिए, तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम कहाँ पर निकल जाता है। और लेजीनेस का तो पूछो ही मत, वो तो बैठे नहीं सोए नहीं कि आ ही जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, पर क्या करें, अभी रहना पड़े संभालना पड़े, ऐसी कंडीशन है, वरना बहुत 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 बुरी हालत हो चुकी है। ऐसे सूरत सिटी एरिया में तो बहुत ही ख़राब हालत है। तो आप लोगों ने वीडियोस वगैरह शायद देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो भी पता चल ही गया होगा कि क्या हालत हो रही है। तो प्लीज़ आप सब भी घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बस यही बोल लूँगी। और मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। खा पी के सब काम खत्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ सोने, तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आप जितना सपोर्ट और साथ देते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बाय बाय।